हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बिहार के गया जिले की इमामगंज प्रखंड की छोटका क्रासन में दुकानदार नारायण प्रसाद की किराना दुकान में अज्ञात लोगों ने 23 मई की रात को आग लगा दिया। दुकान मालिक जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, वो अपनी दुकान के पास पहुंचे तो दुकान जलकर राख हो चुकी थी। तभी शरीर से असमर्थ नारायण प्रसाद मायूस होकर घर लौट गए और दूसरे दिन इमामगंज थाना को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मंगलवार को दुकान के मालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी इमामगंज को सरकार से सहायता राशि के लिए आवेदन दिया, साथ ही साथ दुर्बल पंचायत के मुखिया पति तिलक राज द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिया गया है। पता चले कि नारायण प्रसाद उसी किराना दुकान पर निर्भर थी जो वो आज अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? मड़ाई में आग लग गया दुकान में। क्या चीज का दुकान था? किराना दुकान था। कहाँ, कौन जगह पे? क्रासन स्कूल पर, पीपर के पास में। कौन क्रासन है? छोटकी क्रासन। ओह, कितना दिन से दुकान था? साल भर से दुकान था। किस तरीके से आग लगी? ना जाने कौन आदमी धरा दिया उसमें, कोई पते नहीं लग रहा। तो उसके लिए कुछ आगे कदम आप उठाया? उठाया से बड़ा बाबू एफआईआर किया हुआ है। तो उसके लिए बड़ा बाबू कोई कार्रवाई की है? किसी को पकड़ धकड़ अभी तक कोई गिरफ्तारी? ना, अभी तक तो कुछ नहीं कार्रवाई की है। तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब तो यहीं आए हैं, सीओ साहब एप्लीकेशन देना है, ऐसे के चलते यहाँ आए हैं। तो इसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कुछ होगा? उम्मीद तो रखा गया है कि कुछ मिलने के लिए संभावना है। तो इसके लिए कोई आपके मुखिया या सरपंच कोई सहयोग कर रहे हैं आपका? हाँ, सहयोग तो कर रहे हैं मुखिया। तो क्या आश्वासन दिया? वो तो सहयोग में है, वो बोले कि अभी भी आ रहे हैं, तुरंत ही एप्लीकेशन लिखवाओ, हम जमा करेगा तक नहीं आ जाएंगे।